मुरादाबाद शहर के सभी पब्लिक स्कूल और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को वैक्सीनेशन कराने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। अब ऐसे में शिक्षा विभाग ने 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की स्कूलों से सूची मांगी है, जहां पर यह देखा गया है कि किस बच्चों को वैक्सीनेशन लगी है और किन बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगी। ऐसे में जिन बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगी है, उन बच्चों को अभियान चलाकर उन बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने का काम किया जाएगा। मुरादाबाद जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालयों और पब्लिक स्कूलों में 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन कार्यों की सूचना विद्यालयों से मांगी गई है, जिसके बाद बचे हुए सभी विद्यार्थियों का टीकाकरण कराया जाएगा। वैक्सीनेशन के प्रभारी डॉक्टर श्यामा कुमार ने बताया कि मुरादाबाद के सभी स्कूलों में वैक्सीनेशन कार्य बड़े स्तर पर चलाया गया है और अब इस बात की सूचना मांगी जा रही है कि आपके विद्यालय में कितने बच्चों का टीकाकरण हो चुका है और कितने बच्चे बचे हैं। यदि स्कूलों में बच्चे टीकाकरण से वंचित होंगे तो ऐसे में अभियान चलाकर उन बच्चों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा, जिसको लेकर सभी विद्यालयों से सूची मांगी गई है। कोविड टीकाकरण के वैक्सीनेशन के लिए अभी हमने सूचनाएं मांगी है समस्त विद्यालयों से कि उनके विद्यालयों में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का प्रथम डोज कितने का लग गया है, अवशेष कितने रह गए हैं, द्वितीय डोज कितने लोगों की ड्यू हो गई है, वो कितनी छात्र संख्या है, और 14 वर्ष से ऊपर की भी हमने सूचनाएं कलेक्ट करने के लिए कहा है। तो सारे विद्यालयों से सूचना हमको मिल जाएगी जब कि प्रथम डोज के लिए कितने अवशेष हैं या प्रथम के डोज के बाद में द्वितीय डोज लगने के लिए कितने पात्र अवशेष हैं, इसकी सूचनाएं सारी संकलित करके उसके बाद में हम फिर से कोविड टीकाकरण का एक कार्यक्रम निर्गत करेंगे और प्रतिदिन अवशेष छात्र छात्राओं का या जो नए अहर छात्र छात्राएं उनको सबको कोविड टीकाकरण कराया जाएगा। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि कोई भी छात्र जो 12 वर्ष से ऊपर है वो कोविड टीकाकरण से शेष न रह जाए, ताकि इस महामारी से उनको बचाया जा सके। मैं अपील करना चाहता हूं समस्त छात्र छात्राओं से, उनके अभिभावकों से और शिक्षक शिक्षिकाओं एवं प्रधानाचार्यों से कि इसमें विशेष ध्यान देकर के जो सरकार की मंशा है कि उसका ध्यान रखते हुए कि अपने विद्यालयों में ये 100% टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। ये मैं अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता से सभी लोग लें।